हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियोस मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल डिज़ाइंस शेयर करूँगी, एंड दीज आर फ्रॉक कुर्ती डिज़ाइंस जो कि लॉन्ग शॉर्ट एंड पेपलम स्टाइल टेल फ्रॉक्स हर तरह के डिज़ाइंस मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आप लोग इन फ्रॉक्स को अपने जो कैजुअल ड्रेसेज होते हैं, जो लॉन के कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ प्लेन फैब्रिक, इफ़ यू हैव अ प्रिंटेड फैब्रिक, तो आप लोग उन दोनों में ही बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फ्रॉक्स डिज़ाइन, जिसमें अंगरखा के स्टाइल भी आ जाते हैं, जिसमें आप लोग साइड पे पैनल ऐड करके उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं। कुछ फ्रॉक्स में जो है सेंटर पैनल में जो है बॉक्स प्लेट्स के साथ डिज़ाइनिंग की गई है, किसी में जो है साइड पे प्लेट्स हैं। तो जो आपको डिज़ाइनिंग पसंद है, आप लोग उस हिसाब से अपने डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एट द एंड, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स फैशन डिज़ाइंस के हवाले से मिलती रहे। कोई भी सजेशन हो, कोई कॉमेंट हो, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। If you guys want to follow me on Instagram, then you can follow me @moms.corner। और इसके अलावा ये कि अगर आप लोग कलियों वाली फ्रॉक्स बनाना चाहते हैं, जिसमें प्लेट्स नहीं होती हैं बल्कि सिंपल पैनल्स होते हैं जो कि आप लोग डिज़ाइन करते हैं, उस पर आप लोग भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। प्रिंटेड एंड प्लेन दोनों फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को बॉक्स प्लेट्स के साथ या बॉडी के साथ जो है डिज़ाइनिंग करना है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ फ्रॉक्स जो हैं वो सिंपल होते हैं, कुछ जो है वो डिटेल्ड होते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मल कलेक्शन देखना है फ्रॉक्स का, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर दोज पीपल हु वांट्स टू डिज़ाइन देयर दुपट्टाज। अगर आप लोग दुपट्टे में पीको नहीं बनवाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके लिए पीको बनवाना फीजिबल नहीं है, तो आप लोग दुपट्टों की डिज़ाइनिंग जो है फैब्रिक का यूज़ करते हुए कर सकते हैं, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लेसेस, डोरी पाइपिंग्स एसेट्रा एसेट्रा। तो आप लोग इस वीडियो में तमाम डिज़ाइनिंग देखेंगे जो कि आजकल चल रही है। दुपट्टों के बॉर्डर्स भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग चारों साइड पर करना चाहें तो चारों साइड पर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उसके जो पल्लू होते हैं उन पर भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइन जो है वो हैवी हैं, एंड कुछ डिज़ाइन जो हैं वो थोड़े से लाइट हैं। एंड दीज कैन बी डिज़ाइन ऑन बोथ द फॉर्मल वेयर कैजुअल वेयर। तो आप लोगों का तमाम डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएंगे। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एट द एंड, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपका फ्यूचर अपडेट्स फैशन डिज़ाइन के हवाले से, डिफरेंट लाइफ स्टाइल ट्रेंड्स के हवाले से मिलते रहें। कुछ डिज़ाइनिंग जो है वो टैसेस का यूज़ करके भी होती है, जो कि बने बनाए मार्केट से मिलते हैं। अदरवाइज़ आप लोग दिखाकर जो है वो टैसेस बनवा भी सकते हैं एम्ब्रॉयडर से या फिर पीको वाले से ही। सो दीज वर सम अमेजिंग डिज़ाइंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी सम डिज़ाइंस फॉर द विंटर ड्रेसेस। और ये जितने भी डिज़ाइंस हैं, इसमें आप लोग कोट स्टाइल में लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट, या फिर आप लोग जैकेट कह सकते हैं, जैकेट कुर्ती के डिज़ाइंस हैं, जिसमें आपके पास इनर होता है, आउटर होता है। और इसमें जो फैब्रिक यूज़ किया गया है वो विंटर का है। आप लोग विंटर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू कि अगर आप लोग समर के लिए कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए भी इन डिज़ाइन से हेल्प ले सकते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू गाइज वॉन्ट सम मोर डिज़ाइंस, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स जो भी हो फैशन ट्रेंड्स के हवाले से वो मिलती रहें। जैकेट कुर्ती या कोर स्टाइल जितने भी ड्रेसेस होते हैं, वो आप लोग कुर्ती इस पर भी बना सकते हैं एंड फ्रॉक्स पे भी बना सकते हैं। इट्स योर चॉइस कि आप लोगों को कौन सा स्टाइल पसंद है। इसके अलावा ये कि जितनी भी जैकेट कुर्तीज़ होती हैं, उनमें आप लोग कलर कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, और साथ में आप लोग प्लेन फैब्रिक को यूज़ करते हुए भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रिंटेड फैब्रिक है, तो आप लोग प्रिंटेड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं।
जो जैकेट आप लोग डिज़ाइन करें वो आप लोग अगर चाहें तो फुल स्लीव भी रख सकते हैं और हाफ स्लीव भी रख सकते हैं और स्लीवलेस भी रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और कुछ डिज़ाइन जो हैं वो कैजुअल ड्रेसेस के हैं जिसमें मोस्टली जो है मैंने डेली वेयर के ड्रेसेस ऐड किए हैं, और कुछ डिज़ाइन जो हैं वो सेमी फॉर्मल या फॉर्मल लुक के लिए हैं। अगर आप लोग समर्स के लिए विंटर्स के लिए कोई फॉर्मल लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं यूजिंग द कोर स्टाइल ड्रेस तो आप लोग उसके लिए भी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। वेलवेट के जो कोट्स होते हैं वो भी आप लोग बना सकते हैं प्रिंटर्स के लिए स्पेशली, और उन पे आप लोग एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं, आप लोग लेसिस के साथ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास के बीड्स हैं पर्ल्स हैं या टैसल्स हैं तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोर स्टाइल जितने भी ड्रेसेस होते हैं उनमें मोस्टली जो इनर होता है वो शॉर्टर होता है और जो आउटर यानी कि जो कोट होता है वो लॉन्ग होता है, और अगर आप लोग जैकेट कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें आप लोग का जो कुर्ती होती है वो लेंथ आपके शर्ट पे ही डिपेंड करती है जितनी आपकी लेंथ है, बट अगर आप कोई जैकेट ले रहे हैं उसके साथ तो आप लोग जैकेट या किसी और कुर्ती के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, सो इट्स अ बेनिफिट फॉर दैट। So these were some designs. I hope you guys enjoyed all of them. If you did, hit the like button and don't forget to subscribe to the channel ताकि आपका future updates मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ सम डिज़ाइंस फॉर द कुर्तीज़, और इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर चिकनकारी का कोई फैब्रिक है तो आप लोग उसको यूज़ करते हुए वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइनर कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं इन अ वेरी अफोर्डेबल वे। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू गाइज वॉन्ट सम मोर डिज़ाइंस तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्लस ये कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, एंड यू कैन बी अपडेटेड ऑन द फैशन ट्रेंड्स। If you guys want some decent designing ideas तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको नेक लाइन के स्लीव्स के दामन के डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाएंगे, प्लस ये कि आपको ट्राउजर्स के डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिल जाएंगे, शलवार के डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिल जाएंगे। चिकनकारी की जो कुर्तीज़ होती हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, उसमें आप लोग बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये कि आप लोग चिकनकारी का फैब्रिक यूज़ करते हैं, साथ में आप लोग प्लेन फैब्रिक यूज़ करते हैं कॉटन का या लॉन का, और साथ में आप लोग ऑर्गेन्जा का या टिशू का फैब्रिक भी यूज़ करते हैं, प्लस ये कि आप लोग उसमें पिंटेक्स और प्लेट्स डालते हैं, डिफरेंट एम्ब्रॉयडर्ड बंचेज होते हैं मार्केट में मिलते हैं वो आप लोग लगाते हैं, साथ में आप लोग लेसिस यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की होती हैं, सेंटर लेस भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में किनारा लेस भी यूज़ कर सकते हैं। एज यू कैन सी जितने भी डिज़ाइन हैं उनमें ये सब चीज़ें यूज़ की गई हैं, साथ में आप लोग जो नेकलाइंस बना रहे हैं या फिर दामन की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें आप लोग पर्ल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग स्टोन्स लगा सकते हैं अपनी पसंद के, आप लोग डिफरेंट टैसल्स यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज जिसमें आप लोग एक अच्छी सी डिज़ाइनर कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जितने भी ड्रेसेस हैं ये मोस्टली सेमी फॉर्मल लुक के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई इवेंट है, कोई ईद का मौका है या फिर कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे इवेंट है तो उसमें आप लोग ये ड्रेसेस वेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि जो ड्रेसेस हैं ये टॉप ब्रांड्स के मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो मोस्टली इसी तरह की डिज़ाइनिंग करके जो है अपनी कुर्तीज़ वगैरह सेल करते हैं, और इसमें आप लोग एम्ब्रॉयडरी करवा भी सकते हैं, और कुछ जो है एम्ब्रॉयडरी की लेसेस होती हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटेड फैब्रिक भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप लोग प्लेन फैब्रिक को यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये जो कुर्तीज़ मैंने ऐड की हैं इनके साथ आप लोगों को ट्राउज़र्स के भी बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे, क्योंकि जिसमें जितने भी ट्राउज़र्स में ऐड हैं शर्ट्स के साथ पेयर अप हुए हैं वो उनमें जो है बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग किस तरह के ट्राउज़र्स और किस तरह के कलर के ट्राउज़र्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं, प्लस ये कि आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन का भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोग कोई कुर्ती बना रहे हैं जो कि मोस्टली जो है पेस्टल कलर पर होती हैं, लाइट कलर्स पर होती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कलर्स यूज़ किए जाते हैं इनकी डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसके साथ आप लोग मोस्टली वाइट ट्राउज़र ही
ही पेयर अप करते हैं, बट इट्स योर चॉइस कि आप लोग सेम कलर का ट्राउज़र यूज़ करें या फिर अगर आप लोगों के पास कोई डिफरेंट कलर का फैब्रिक है तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इनके साथ दुपट्टों की डिज़ाइनिंग भी चाहिए तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगी कुछ डिज़ाइंस में, आपको आइडिया मिल जाएगा एटलीस्ट कि आप लोग किस तरह के दुपट्टे जो हैं उनके साथ पेयर अप कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो नेट के ऊपर भी इन कुर्तीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोग शिफॉन की जो शर्ट्स होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं यूजिंग द लेसेस, बट मैंने जो इस वीडियो में फोकस किया है वो चिकनकारी के ऊपर किया है, तो आप लोगों को जितने भी डिज़ाइन मिलेंगे वो चिकनकारी के फैब्रिक के ऊपर ही मिलेंगे। सो दीज वर सम अमेजिंग डिज़ाइन जो कि मैंने इस वीडियो के लिए कलेक्ट किए थे। आई होप कि आपको तमाम डिज़ाइंस पसंद आए होंगे। इफ़ यू गाइज़ वॉन्ट टू रिमेन अपडेटेड ऑन इंस्टाग्राम तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे @moms.com।